करते हैं कि आपको वो शो पसंद आता होगा। तो बाकी ये सेटअप तो आपने माशाल्लाह देखा ही है, इनका पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन जो नया शो की नज़र आता है जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको हम दिखा देते हैं। ये देख लेंगे जी, ये ब्रीडर सेटअप है जी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? ये जी सेटअप है इनका, ब्रीडिंग सेटअप। वालेकुम अस्सलाम जी, जो भाई सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। ये जी जो शौकीन हजरात जिन्होंने पहले नहीं देखे हुए उस्ताद अमजद अदरीस के कबूतर, ब्रीडर कबूतर, उनको ये लाइव शो करवा रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, लाडला अब्दुल्ला, खलीफा शहबाज, रोहिल भट्ट, अली रजा, इखलाक हुसैन भाई हमारे साथ हैं जी। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में एक और छत है उसका शो करवाएंगे, वो भी यहाँ पास में ही है, तो हमारे साथ रहिएगा। बाकी अभी ये मैंने कहा चलें उस्ताद अमजद अदरीस की तरफ हम आए थे, तो उनकी कुछ जो न्यू जो नए कबूतर लाहौर से वो लेके आए हैं उनका शो करवाना था, तो मकसद भी लाइव आने का यही है कि चलें जो न्यू एडिशन है वो भी आप तक भाइयों को उनका शो करवा दें। और लाहौर के कबूतर हैं टेडी, जिनमें सेठ वगैरह हैं, सेठ वाले, चौधरी वाले, बाकी नामी ग्रामी छतों से वो लेके आए हैं। बाकी जो नई छत है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद वो उसका शो करवाएंगे आपको। वो भी दोस्त हैं अमजद अदरीस साहब के, उनकी छत है। तो उनके पास माशाल्लाह एक 16 नंबर ब्रीड है जिनको ये सबस गले वाले कहते हैं, ये आप देख सकते हैं ये वाले जी। बरार भाई, पिजन देवल, चौधरी पिजन क्लब, उस्ताद अरमगान इलाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अनमोल पिजन जी, अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल पिजन बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी नसीमुल्लाह खान भाई, ओरिजिनल नस्ल आप देख लें जी, अगर आपको पसंद आती है तो। बाकी ये सबस गले वाली ब्रीड है 16 नंबर। ये जी नील दुमा कबूतर एक, जी वालेकुम अस्सलाम, जो भाई सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। और ये अमजद अदरीस, उस्ताद अमजद अदरीस साहब काली टंकी स्टॉप रावलपिंडी के ब्रीडर कबूतरों का आपको इस वक्त शो करवा रहे हैं जी। इर्तिजा भाई कैसे हैं? बाकी ये कुछ बच्चे वगैरह इन्होंने बाहर निकाले हुए उड़ाने के लिए। हाँ सर जी, फिर शो करवाते हैं जो नए कबूतर आप लेके आए हैं ज़रा शौकीन हज़रात को। जी थैंक यू, जो भाई पसंद कर रहे हैं हमारे इस सेगमेंट को, आप भाइयों के लिए हम ये हर वीकेंड पे जाना कोई नई छत और अच्छी छत जो है यहाँ पर अच्छे कबूतर हों उसको सेलेक्ट करते हैं और आपके लिए एक लाइव शो लेके आते हैं। ख़ास तौर पे वो भाई हमारे जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, अमारात में है या यूके या बाहर कहीं और, तो उनके लिए हम लेके आते हैं। तो चले आए आप दिखाते हैं आपको जो नए कबूतर उस्ताद साहब लेके आए हैं, तो अभी आपको उनका प्रॉपर शो करवाते हैं उनके आँख पर और कुंदे का। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे वो कबूतर जी। लाहौरी बांके पिजन्स दो
देवल मैनुअल गिल, ये जी एक सबसे पहले आपको दिखाएंगे जीरा टैडी, यहाँ का शो पे ये जी नाजरीन इसके पर इसके पंजे माशाल्लाह जी, जीरा टैडी कबूतर ये जी एक और मादा। ये मादा नाजरीन ये इसके नाजरीन पर इसकी धूम पंजे इसके धूप में चल रहा है ठीक हो गया जी। राणा गजनपुर भाई, लाडला अब्दुल्ला, लवरी बांके, थैंक यू जी लाइक करने के लिए। उस्ताद अमजद इदरीस के कबूतर ये जी एक और टडी कबूतर, इसकी आंख का शो करें जी। शेर खान भाई, मोतियों वाला या चूहा कबूतर, चलें वो भी है दिखाते हैं आपको, थोड़ा वेट करें दिखाते हैं। अभी ये जो नए आए हैं इनमें आपको ज़रा टेडी जो है टेडी लॉक की कबूतर है उसको पहले शो करवा दें, फिर इंशाल्लाह वो चूहे या मोतियों वाले भी दिखाते हैं। इसकी धुन का शो करें और ये इसके पंजे ये जी एक और टेडी कबूतर जिसकी आंख का शोक करें तो अगर किसी भाई को पसंद आए और वो खरीदना चाहें तो रابطہ कर सकते हैं उस्ताद अमजद अदी साहब से। मैं इनका नंबर जो है वो कमेंट्स में डाल दूंगा या मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मुझसे भी नंबर ले सकते हैं इनका इनबॉक्स में, मुझे कमेंट्स में आप पूछें तो कमेंट्स में भी मैं आपको इंशाल्लाह नंबर दे दूंगा। काफ़ी अच्छे कबूतर शेर खान भाई पूछ रहे हैं ये कौन से डैडी हैं, ये वाला सेठ वाला डैडी, सेठ वाले जी शेर खान भाई सेठ वाले ये जी इसके परों का शो करें ये भी सेठ वाला, ये भी जी नाजरीन सेठ वाला डैडी गुलाबी नोक का, गुलाबी नोक इसकी जी नाजरीन इसके पर धूम ये जी नाजरीन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेठ वाले टैडी और ये पंजे इसके जी। कमर भाई थैंक यू वेरी मच, अनमोल पिजन्स और जो जो भाई लाइक कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम कमर भाई, सखी वाले कोई हैं
एक भाई पूछ रहे नहीं, नहीं फिलहाल कुमार भाई सखी वाले नहीं है, सेठ वाले मौजूद हैं, चौधरियों वाले हैं। ये जी चौधरियों वाले टैडी। ये जी इसके पर और तुम जी। थैंक यू जी, जो जो भाई पसंद कर रहे हैं वीडियो को कबूतरों को, उनके लिए मज़ीद कबूतर दिखा रहे हैं। उसका हमने एक और नाज़रीन टेडी कबूतर उसका शो करें जी। आप जो जो भाई कह रहे हैं कि 35 वाले दिखाएं, ये ज़रा मैंने कट टेडी पहले जो ये दिखा रहे हैं आपको, फिर 35 वाले भी दिखाते हैं जी। इसके पर उसका शो करें जो जो शौकीन हज़रात हमें देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को शेयर करें। इसकी दुम और ये इसके पंजे जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद अज़र नियाज़ी साहब, कैसे हैं सर जी? कमरान ताज साहब इस वक्त लाइव हैं, हम रावलपिंडी। उस्ताद अमजद इदरीस काली टैंकी स्टॉप रावलपिंडी से जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी जी, दिखाते हैं सब जाल में छोड़ रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे सारे इसके पंजे। और ये कलर इसका पूरा देख लें, जाल में छोड़ के भी दिखा देते हैं आपको और जी। कमरान ताज भाई ठीक हो गया जी, आप भी रावलपिंडी से हैं, किस जगह से हैं आप रावलपिंडी में? ये जिद्दू में इसकी और ये इसके पंजे और बेस्ट। ये जिसका आँख का शो करें ये जिसका पूरा बॉडी कलर नाज़रीन इसके पर जी। कमर अब्बास भाई बिल्कुल सेल करते हैं, जो जो भाई से परचेज करना चाहें
वो कमेंट में मुझसे रब्ता कर लें या इनबॉक्स में मुझसे रब्ता कर लें, तो मैं उस्ताद अमजद इदरीस साहब का नंबर दे दूंगा आपको, तो फिर आप आगे खुद बात कर लेना। ये जी नाजरीन, एक और टेडी कबूतर उसकी आँख, चौधरी वालों में एक चौधरी वाले टैडी नाजरीन, ये इसका पल्ला, चौधरी वाले इसकी तुम सही। ये जी कबूतर आपको दिखाया है, जाल में छोड़ के भी देख लें, ये देखें इसकी माशाल्लाह, खड़क चेक करें, ये जी एक और कबूतर, इसकी आँख का शौक करें, ये इसके नाज़रीन पर देखें, इसके पंजे, और इसकी दुम, जी नाज़रीन ये सेठ वाले टैडी कबूतरों में से एक और कबूतर का शौक आपको करवा रहे हैं, और जो जो भाई लाइक कर रहे हैं थैंक्स जी। अगर कोई भाई परचेज़ करना चाहे कबूतर तो वो रब्ता कर ले इनबॉक्स में या कमेंट्स में, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। ये नाज़रीन इसका पल्ला चेक करें माशाल्लाह जी, और इसकी दुम कंट्रोल दुम है, बिल्कुल बंद दुम का कबूतर। जी गज़नफर महर सर हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त, हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? सर जी बहुत बहुत मुबारक हो आपका सखर रीजन का जो तकरीब रही माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। ये भी गुलाबी नोक का सेठ वाला टैडी कबूतर आपको शो करवा रहे हैं उस्ताद अमजद इदरीस काली टैंकी स्टॉप रावलपिंडी की छत से। लंबी नोक वाले, जी लंबी नोक वाले हैं ये इसके पंजे, इसकी दुम, इसका पल्ला, माशा
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ब्रीडर कबूतर। ये जी कोट स्टडी कबूतर, इसकी आँख का शो करें। नाज़रीन इसके पर अमजद भाई थोड़ा सा नाज़रीन को ये बता दें कि कबूतर की देखभाल कैसे करें रूटीन में, जो अगर कबूतर हैं उनकी देखभाल कैसे करें चाहिए ताकि बीमारी में ना आए, क्या ऐसा चीज़ है? कबूतर को सबसे पहले वैक्सीन है जी, गैली मोन जो है ना, वो हम तो हर कबूतर को नहीं करते जी, लेकिन जिस कबूतर को दो दफ़ा कर दें जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से बचा रहता है। बच्चों को हम तीन दफ़ा करते हैं, पहले जब बल के बच्चा बाहर आता है जी, फिर उसके बाद जब पाँच छः कली का बच्चा होता है उस वक्त वैक्सीन करते हैं जी, फिर जब वो जवान होता है तब हम उसको वैक्सीन करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी मैं नहीं करता। अच्छा, उसको जरूरत नहीं रहती, उसको ज़रूरत नहीं रहती, वो मतलब गैली मून करते हैं आप? गैली मून, एंटी गैली मून। और एंटीवायरस एक वैक्सीन एनरोसिन सिर्फ, जो एनरोसिन हाँ जी, वो लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका तरीका लोग गलत करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जी। वो पूरी बाल्टी में तकरीबन 2 से 3 cc डालनी चाहिए बस, सिर्फ ब्राय नाम डालें ताकि कबूतर को इन्फेक्शन ना हो और कबूतर के अंदर से वायरस निकल जाए। तो वो रेगुलर देना चाहिए? वो रेगुलर नहीं, वो हर महीने में 3 दफ़ा देना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ गई है जी तो वही दवाई 5 से 7 दिन लगातार दे, लगातार देनी है, कोर्स करवाना है 5 से 7 दिन का। तो वो अल्लाह करेगा जब वो 5 से 7 दिन कोर्स होगा तो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है, लोग नुकसान इसलिए उठाते हैं कि कोई अमोक्सल डाल रहा है, कोई टेरामाइसिन डाल रहा है जी, बिल्कुल, कोई वेब्रामाइसिन डाल रहा है, वो इतने हैवी कैप्सूल होते हैं कि वो कबूतर को अंदर से खत्म कर देते हैं और जब मौत हो जाती है जो उन दवाइयों को बर्दाश्त कर जाते हैं कबूतर वो बच जाते हैं, ज्यादातर कबूतर बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, मर जाते हैं, छोटा इनका ऑप्शन वो होता है। ठीक हो गया, तो मतलब एनरोसिन जो है वो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया, तो वक्तन फवक्तन जी नाज़रीन महीने में ये है कि आप वो 3 दफ़ा जो है उसका लाजमी डालें, और उसकी अमाउंट जो बताई है कि पूरी बाल्टी अगर है तो उसमें सिर्फ 3 cc डालना है आपने, उसको अच्छी तरह हल करके कबूतरों को प्यास दे के वो उनको डालें, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है वायरस से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन लाजमी करें, वो भी तरीका उस्ताद जी ने बताया आपको कि 3 दफ़ा अगर हो गई है तो उसके बाद पूरी बड़े कबूतरों को 2 दफ़ा कर दें, 1 दफ़ा पहले जी, फिर जी। दूसरी दफ़ा 6 महीने बाद या 5 महीने बाद जी जी, जिस बड़े कबूतर को 2 दफ़ा लग गया उसको फिर सारी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं है। लोग हर महीने लगाते हैं या 2 महीने में जी, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बार बार लगाने से कबूतर ख़राब हो। ठीक हो गया जी, जी गुलाबी जो है नोक वाले भी दिखाए हैं आपको, काली नोक वाले भी दिखाए हैं, ये एक देखें, ये वाइट नोक वाले नहीं है, ये स्लेटी आंख के टैडी, स्लेटी आंख के टैडी जी, और ये उनका कुंदा देखें, एक एक बार निकाल रहा है झाड़ा हुआ। ठीक है, ये दो मिसकी जी, जिब्रान भाई, जिब्रान बट भाई बिल्कुल ठीक ठाक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन जी, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साकिब जमील भाई, उस्ताद जी की तरफ से भी जी वालेकुम अस्सलाम। शेर खान भाई थोड़ा वेट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, लाजमी दिखाएंगे चूहे व चूहे और मोतियों वाले, ये यरकान आँख का कबूतर है, ये यरकानी आँख में जी,
प्योर ब्रीडर कबूतर है और बड़ा कबूतर। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये भी सेल कर देते हैं? नहीं, अपने शौक के लिए रखा हुआ। अच्छा, बहुत कीमती में लेके आया था। ठीक, ये जी पंजे इसके। जी ठीक हो गया। नसीमुल्ला खान भाई, ये भी यार कौन है? पट्ठा जवान हो रहा है। ये जी पट्ठा है और अभी जवान हो रहा है। जस्ट 10 साफ हो गया, जवान है। जी साकिब जमील भाई, थैंक यू वेरी मच। जो जो भाई हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं तो ये सब हम आपके लिए करते हैं, आप तक एक अच्छा शौक पहुंचाया जाए। और जो हजरात अपने कबूतरों का शौक करवाना चाहते हैं तो ये है कि उनका शौक हम आप तक लाइव लेके आएं और एक अच्छे तरीके से आप उनके कबूतर देखें और अच्छे कबूतर देख के जो नए शौकीन हजरात हैं वो थोड़ा सीखें ब्रीडों के बारे में भी और अच्छे कबूतर की पहचान और पर उनके आँख पलक पंजे दुम। तो ये जी यही हमारा मकसद है और इसके लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी अमजद साहब जो है ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पिंडी में। काफ़ी नामी ग्रामी उस्तादों के पास जो है ना वो हमने विज़िट किया है उनकी छत का, जिसमें से उस्ताद परवेज़ मुग़ल माशाल्लाह पिंडी के चैम्पियन रह चुके हैं, जो उनके कबूतरों का शौक आपको लास्ट टाइम करवाया था। राशिद खान का भी हाँ जी, उस्ताद राशिद खान का करवाया था आपको। तो माशाल्लाह काफ़ी नामी ग्रामी उस्ताद जो हैं और बाकी इंशाल्लाह करवाते रहेंगे। जो जो अच्छी छतें हैं गुजरांवाला में भी हम गए थे आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है पहली दफ़ा, उस्ताद मरक बशी साहब जो हैं उनके कबूतरों का भी शौक आपको करवाया था। ये नाज़रीन इसके पर दुम, इसके पंजे, जी टैडी कबूतर हैं मोस्टली और सेठ वाले दिखाए हैं, चौधरी वाले कुछ दिखाए हैं, बाकी इनके फिर 16 नंबर ब्रीड घर की भी है। ये लोग पूछ रहे हैं तारुफ कराएं कि किसके घर के हैं ये? ये बताया कि लाहौर के नामी ग्रामी ग्राम ये लाहौर से लेके आए हैं। नाम नहीं लेना चाहता, वो इतराज करते हैं कि जी हमारा नाम क्यों आया, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह, देखिए आप नामी ग्रामी घरों के कबूतर इनका शौक आपको करवा रहे हैं माशाल्लाह। ये सारे कबूतर जितने हैं ये लाहौर से आए हुए हैं। लाहौर से आए जी, और एक नंबर कबूतर है। इन कबूतरों को अगर आप अपने क्रॉस डालेंगे तो इनकी कारकर्दगी बहुत जी जान बर्ड भाई उड़ाने के हिसाब से कोशिश करते हैं कि चलें थोड़ा सा साए में दिखाएं, लेकिन ये कि साए में थोड़ा वो रिंग क्लियर नहीं आते। साए में दिखाएं, भाई कह रहे हैं साए में जरा दिखाने की कोशिश करें। ये जी अब साए में दिखा रहे हैं, आप जरा बताएं कि फ़र्क कैसा है? अब अच्छी नज़र आ रही है, क्लियर आ रही है कि पहले क्लियर थी धूप में? अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं जानी सिंधु भाई के वाइड नोक वाली टैडी उनकी क्या परफॉर्मेंस है? वो बेसिक वो एक खूबसूरती के लिए होते हैं कि आपके पास दो जोड़े हैं या पांच जोड़े हैं, आपके दोस्त यार आएंगे आपको शौक कर देखेंगे जी। आपकी वाह वाह हो जाएगी। इनका मकसद ये है, ये कीमती कबूतर होते हैं, लोग इनको उड़ाते नहीं है। उड़ने में हर कबूतरों के साथ पर लगे हुए हैं, अकल है, सब कुछ है। जी जी। क्रॉस डालें आप उड़ेंगे उड़ेंगे, खालस लोग नहीं उड़ाते हैं कि कीमती है, कि मेरी नस्ल किसी के पास ना जाए। ऐसा ही है। ठीक हो गया जी। महमूद अब्बासी अब दानिश कादमी भाई कह रहे हैं पहले क्लियर थी, अब क्या किया जाए? धूप में दिखाएं कि छांव में दिखाएं? आप भाई बताएं फिर हम वैसे ही
ये फिरोजपुरी कबूतर है मेरा पुराना, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे। ये जी फिरोजपुरी कबूतर, फिर हम आपको छांव में भी दिखा देते हैं और जरा धूप में भी करके दिखा देते हैं, जैसे आप भाइयों को पसंद हो। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं? जी सलीम अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ऑनलाइन। ये जी पंजे, ये बड़ा अच्छा रिजल्टेड कबूतर है माशाल्लाह जी। रिजल्टेड कबूतर उस्ताद अमजद तदरी साहब बता रहे हैं, फिरोजपुरी कबूतर जबरदस्त। माशाल्लाह बच्चे भी बाहर छोड़ रखे हैं, हिला रहे हैं उनको, आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रहे हैं। तो उस्ताद जी कितने बच्चे छोड़े हुए हैं आप माशाल्लाह बाहर? बच्चे मेरे पास 14 हैं। अच्छा, और इन 14 से ही मेरा कप उड़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। ये मेरे घर के कबूतर है, ये जितने बच्चे हैं सारे ताबन जोड़ों के माशाल्लाह जी। ये और ये थोड़े से बच्चों से मैं हमेशा कप खेलता हूँ, कप खेल लेंगे। मैं ये नहीं करता कि मेरे पास 100 हो, 50 हो, 200 हो, नहीं जी, 10 से 15 बच्चे मेरे लिए बहुत है माशाल्लाह जी। ये भी देखें जी, कुछ लोग जो हैं वो 100-200 बच्चा छोड़ के बीच में से 11 या 7 उड़ाते हैं, तो लेकिन उस्ताद जी के पास सिर्फ 15 कह रहे हैं ताबन जोड़ों के, और इन पे मुकम्मल यकीन है इनको कि ये इसी कल से बिल्ली आई थी, ये बच्चे सारे चले उड़ गए थे, कल ही मैंने खोले थे जी, सारे घूम फिर के वापस आ गए। अच्छा, आगे पीछे होके वापस हाँ। आ गए, मैं मौजूद नहीं था, इधर बिल्लियाँ आ जाती हैं बहुत। ये मेरे घर का कबूतर है मिस्सा, ये बहुत बच्चे उड़ाता है, शाम शाम तक बच्चे उड़ाता। फुट किए हुए कुछ रेस्ट के लिए, अगर कबूतर को रेस्ट मिल जाए ठीक होंगे। जी जी महमूद अब्बासी भाई, सलीम भाई भी हमारे साथ ऑनलाइन है। था कि चूहा कबूतर दिखाएं। जी जी शाह साहब बिल्कुल एंजॉय हो रहा है, तो ये चूहा हम भी एंजॉय कर रहे हैं, बाकी जो लाइव देख रहे हैं शौकीन हजरात उनको भी लाइव एंजॉय करवा रहे हैं। मटेरियल कौन सा? ये चूहा और बटेरा क्रॉस। अच्छा जी, ये चूहा बटेरा क्रॉस। एक भाई पूछ रहे थे हमसे कि चूहे कबूतर दिखाएं, तो ये क्रॉस है उनके पास उस्ताद जी के पास, तो ये ज़रा इसका इसका भी शो कर लें जी। दानिश काजमी ये सियालकोटी आपके लिए जी। ये जी नाजरीन इसके इसके बच्चे भी बड़े अच्छे पर का शो करें। सही हो जी। हाजी सज्जाद भाई ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप माशाल्लाह जब भी हम लाइव आते हैं आप माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं जी। मैंने भी वही पूछा कि मैंने कहा बटेरा, तो कहते हैं क्रॉस है बटेरा, चूहों बटेरों का क्रॉस है जी। महमूद अब्बासी भाई बिल्कुल उनके कबूतरों का शो करवाएंगे। सलीम अब्दुल्ला भाई के ये पटे, ये सफ़ेद गलदुमे हैं, ये भी मैंने उड़ा के चेक किए हुए हैं, अभी ये दो ब्रीडिंग के लिए रुके हैं, उनका बहुत रिजल्ट है, खूबसूरती में बहुत आगे हैं, खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह और रिजल्टेड भी हैं। ये जी गलदुमे कबूतर, ये आगे किसी में क्रॉस भी डालें तो उनको भी ये बहुत अच्छा बना देते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत और रिजल्टेड जी। मिस्सा कबूतर एक दिखाया था अभी जिब्रान भाई, एक मिस्सा कबूतर दिखाया था आपको, रिजल्टेड कबूतर माशाल्लाह काफी अच्छे है, वो जो है ना बच्चे उड़ा रहा है। वो हमने उड़ाने के लिए रखे हैं, एक ही जोड़ा उनके बच्चे उड़ाते हैं। हाँ वो मदरसे जी, वाइट कल धुमे हैं ये, इनके माँ बाप दिखाते हैं।
माँ बाप ही दिखाते हैं। और पूछ रहे कौन सी नस्ल, यही नस्ल है इनकी, कल दुमे कबूतर कहलाते हैं ये, नील दुमे भी कहलाते हैं, नील दुमे या कल दुमे, कल दुमे भी कहते हैं इनको। ये मादा है बड़ी ठीक है, ये उसी के वो पट्टे दिखाए नहीं के, वो किसी और जोड़े के थे, वो मैंने जोड़ा सेल कर दिया था। सही। ये फिर नया जोड़ा मैं खरीद के लाया। सही हो। ये कराची पिजन भाई ज्यादा बता रहे हैं कि सहारनपुरी कबूतर हैं ये। जी जी। उस्मान सलीम भाई कैसे हैं? जी खावर जमशेद भाई कह रहे हैं उस्ताद अमजद भाई बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया, वो मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, उनके लिए बहुत शुक्रिया। ये नर उसके साथ मादी के साथ ये लगा हुआ। ये जी फेयर है पूरा, आपको दिखाया जो पहले माता दिखाई है, और ये नर उसके साथ लगा हुआ है, तो ये पर इसके खींचे में, बाकी दुम देखें इसकी, बिल्कुल प्योर जोड़ा माशाल्लाह। बैलेंस चेक करें दुम का, चलता फिरता इसके दिखाएं, बहुत खूबसूरत। ये जी पूरा जोड़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और रिजल्टेड भी है माशाल्लाह। नील दुमे, काल दुमे, सफेद काल दुमे, जो बोल रहे इनको आप जी। हाजी सज्जाद भाई पहले भी शो करवा चुके हैं उस्ताद अमजद इदरीस काली टैंकी स्टॉप रावलपिंडी की छत पे इस टाइम मौजूद हैं, और उनके कबूतरों का शौक आपको शो करवा रहे हैं जी। जिब्रान भट्ट भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो आप शो करवा कहते हैं कि मैं छत पे आना चाहता हूँ, तो कोई मेरी छत पे शो कर उनको के नंबर ले लें तो फिर फोन चलें। जिब्रान भट्ट भाई नंबर ले लें, छत पे होते नहीं हैं। हाँ ये छत ये है कि जरा काम अगर हम बिजी होते हैं तो इंशाल्लाह आप फोन करके आइएगा, नंबर आप ले लेना जिब्रान भाई मेरे से, और फिर आप उस्ताद जी से बात करके तो फिर आप शो करवा कर लें इनके कबूतरों का। ये सेठ वाला ओरिजिनल कबूतर है। इन कबूतरों की खूबसूरती के लिए छांव बहुत जरूरी है, धूप में ये अपना कलर थोड़ा खराब कर लेते हैं, नोकों का भी आंखों का भी। जो जो इनको छांव मिलेगी, रोशनी कम मिलेगी, ये इतने इतने हसीन होते जाएंगे। इनके लिए कमरा समझ लेके वो होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए और इनकी खूबसूरती को कायम रखने के लिए। ठीक हो गया जी। ये अगर धूप में ना मैं रखूं तो ये अपनी नोक बिल्कुल वाइट कर जाए, ये वाइट नोक का कबूतर है बेसिक जी। अरशद डार कोई है इससे के करीब भाई पूछ रहे हैं, अरशद डार अरशद सीएनजी वाले हैं, डार नहीं है वो, राजा अरशद है। अच्छा जी नेशनल मार्केट में जी। वालेकुम अस्सलाम नबीद बिल्ला भाई, चलें ठीक है जिब्रान भट्ट भाई कोई मसला नहीं, आप नंबर ले लेना और रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह आपको ये शो करवा देंगे। ये बड़ी ब्रीडर मादी, ये असल में जिब्रान भट्ट भाई आयरलैंड होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हैं, तो ये कि वो फिर कह रहे हैं 2 हफ्ते बाद वापसी है मेरी। ठीक है उन्हें के जब दिल करे आ जाए, लेकिन मुझे पता हो ना कि वो आ कॉल कर लें, कॉल करके आएंगे, कॉल करके आ पाएंगे तो इंशाल्लाह ये एड्रेस भी बता दूंगा और टाइम पहले से फिक्स होगा तो ये भी मौजूद होंगे छत पे, आपको भी कोई मसला नहीं होगा जी। कमारिये कबूतर क्लब सागर गिल भाई हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी शौकीन हज़रात इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक और छत भी अभी हम कवर करेंगे उनके। उनके पास काले काले कबूतर हैं, जज वाले, जज का शागिर्द था वो जिसके पास जाना। ठीक हो गया। और उसके अलावा सखी वाले डैडी हैं उन्होंने,
खरीद के लाए थे, वो आज से 5-7 साल पहले वो उन्होंने बनाए हैं। बहुत तो नाम नाम बता इनका क्या? शुएब नाम है उसका। जी शुएब भाई है, उनकी छत पे हम जाएंगे। जज के शागिर्द हैं माशाल्लाह, जो जज यहाँ पर पिंडी में मशहूर है, जज साहब एक हैं, उनकी उनके शागिर्द हैं वो, उनके काले कबूतर और सखी वाले कबूतर जो है साफ, ये फिरोजपुरी माता सखी वाले टेडी, तो उनका भी शो करवाएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा थोड़ी देर में, इंशाल्लाह यहाँ से हम फ्री होके उसी छत पे जाएंगे। फिरोजपुरी जी, ये जी फिरोजपुरी माता। जी जी चौधरी एजाज उर्फ जज, बिल्कुल उनके शागिर्द हैं वो। जी जी, तो उनकी छत पे अभी हम इस बहुत अच्छा शौक मिलेगा, वहाँ भी बहुत अच्छे सिलेक्टेड कबूतर हैं उनके पास भी। जी माशाल्लाह, वो उस्ताद अमजद जी साहब के दोस्त हैं, तो उन्हीं के रेफरेंस से आज हम जाएंगे उस छत पे। इंशाल्लाह अच्छा शौक देखने को मिलेगा, हमारे साथ रहिएगा जो जो शौकीन हजरात हमें देख रहे हैं। माशाल्लाह अब ये कि एक सिलसिला हमने ये शुरू किया है और माशाल्लाह काफ़ी इसको पज़ीराई मिल रही है, और आप शौकीन हजरात इसको पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन होती है कि चलें यार कोई देखने वाले शौकीन हजरात हैं तो क्यों ना अच्छे से अच्छा शौक आपको दिखाया जाए। जी नवीद बिल्ला भाई, आपके पास लाजमी आएंगे, हमें बुलाएं, मेरे से इनबॉक्स में भी मेरे दोस्त हैं नवीद बिल्ला भाई। अच्छा, इंशाल्लाह इनकी छत पे भी हम आपको लेके जाएंगे। इन्होंने भी ठीक हो गया, बहुत अच्छी ब्रीड रखी हुई है। बस जबरदस्त हो गया, फिर तो आप माशाल्लाह दोस्त हैं, तो फिर इंशाल्लाह लाजमी आपके पास आएंगे। ये 16 नंबर आपके वो वाले? नहीं, ये टेडी है। अच्छा, पहले इसकी फीमेल दिखाई थी। सही सही, ये इसका 16 नंबर है कोई? हाँ, वो आपको दिखाते हैं दूसरे पोर्शन में। जी महमूद अब्बासी आपको दिखाएंगे, खूबसूरत कबूतर माशाल्लाह मशहूर हैं वो, काफी पिंडी इस्लामाबाद में और बाहर भी लोग जानते हैं उनके नाम को, उनके कबूतरों को। चलें जी, अमजद साहब के साथ ही आएंगे इंशाल्लाह जब भी प्रोग्राम बना। जी वसीम सलीम भाई, मैं रावलपिंडी से इस वक्त ऑनलाइन हूँ, और उस्ताद अमजद इदरीस साहब काली टंकी स्टॉप की छत से आपको लाइव शो करवा रहे हैं उनके ब्रीडर कबूतरों का। ये कौन सा? ये मेरे खूबसूरत कबूतर है लाल मोती। ये खूबसूरत ब्रीड जो इनकी है जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड, खूबसूरत ब्रीड है इस नाम का, सॉरी खूबसूरत नाम है इस ब्रीड का। खूबसूरत कबूतर, खूबसूरत ब्रीड। उस्ताद साजिद, उस्ताद साजिद हैं कोई? जी हमारे मोहल्ले में हैं। हाँ जी, इस मोहल्ले में हैं। हम लेकिन हमने बता रहे हैं कबूतर खत्म किए हुए थे, अभी रखे हैं रिसेंट, दोबारा रखे हैं। हाँ, कबूतर नहीं है अभी उधर। चलें, अभी दोबारा शौक स्टार्ट किए, तो ये भी खूबसूरत, ये भी खूबसूरत, ये इसकी फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल है जी, जो पहले नर दिखाया उसके साथ ये जोड़ा लगा हुआ है इस ब्रीड के मेरे पास। जी चाइना बुलाए महमूद अब्बासी भाई, चाइना जरूर जाएंगे हम, आप बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। ये है भी खूबसूरत है। मुहावरा है ना कि कबूतरों का शौक करवाओ चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। तो चले जी, हम चीन जाके भी कबूतरों का शौक करवा देंगे। लोग इल्म हासिल करने जाते हैं, हम कबूतरों का शो करवाने भी पहुंच जाएंगे। ये सलारा टैडी है, ये जी सलारा टैडी कबूतर। गुलशनाबाद में रह रहे हैं, ठीक हो गया जी वो। जी जी ये भी इल्म ही है बिल्कुल, नवीद बिल्ला भाई कबूतरों का भी इल्म जो है वसी इल्म है, और इस पे अबूर हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है। माशाल्लाह जो भी उस्ताद हजरात हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि कबूतर के हर एक उसके पॉइंट पे इल्म हासिल करना बड़ा एक तो टाइम टेकिंग ये काम है, इतनी आसानी से नहीं आता कि आप इसको महीनों या सालों में से एक साल में सीख जाओ।
इस पे वक्त दरकार है, आपको टाइम देना पड़ेगा। जी रईस बेग भाई, कमर अब्बास, नवीद बिल्ला, मुश्किल तो नहीं है इतना, लेकिन यही है कि बस आपको अगर सही उस्ताद रहनुमाई करने वाले अगर सही मिल जाएं तो फिर आपकी मंजिल आसान हो जाती है। अगर आपको गाइड करने वाले थोड़े गलत गाइड कर देना, फिर ये है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन अमल बन जाता है, जो आजकल काफ़ी केसेस आ रहे हैं उस्ताद जो मतलब के इनके पास इल्म नहीं है लेकिन वो उस्ताद के दर्जे पर इनको फाइज कर दिया गया, या उस्तादी पग जिसे बोलते हैं हम इस फील्ड में, वो दे दी गई है लेकिन इल्म उसके पास उस लेवल का नहीं है। हर फील्ड में जो है वो अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने खुद सेलेक्ट करना है कि हमने किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। कहते हैं राजा साजिद साहब हैं गुलशनाबाद वाले, उनको भी जानता हूँ, वो भी दोस्त है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम सबको शो कराएंगे, सबका इंशाल्लाह शो करवाएंगे। गुलशनाबाद में उनका भाई भी है और उस्ताद राजा साहब से हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। जी कमर अब्बास भाई, हमें लाहौर से इस टाइम देख रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं कमर भाई, माशाल्लाह इनका पीछे बड़ा नुकसान हुआ, शो ख़त्म हो गया इनका, बड़े बीमारी की वजह से परिंदे बहुत मरे हैं। तो कमर भाई आज बड़ी टिप बताई उस्ताद जी ने, बड़ी एक टिप बताई है कि एनरो सिम जो है ना वो एक है सॉल्यूशन, वो दें अपने कबूतरों को, वायरस से पहले भी देते रहे महीने में 3 दफ़ा और उसकी मिकदार बड़ी थोड़ी डालनी है आपने, पूरी अगर एक बाल्टी है तो उसमें 3 सीसी डाल दें और उसको मिक्स करके प्याज दे के कबूतरों को उनको पानी पिलाएं तो वो ठीक रहेंगे, उनमें वायरस नहीं आएगा। अगर वायरस खुदा ना खासा आ भी गया तो उसके बाद वो 5 से 7 दिन लगातार देना है, कोर्स एक मतलब करवाना है उनको, तो उस कोर्स से ये है कि बहुत कबूतर आपके बच जाएंगे। जी एक नीला कबूतर नीले कमगर कबूतर जी, माशाल्लाह बहुत लोगों को बच्चे इसके सेल भी किए हैं और हर बंदे की डिमांड है कि ये वो कह रहे हैं उनके भाई का नाम यूनस है राजा। जी जी मैं जानता हूँ, मेरे दोनों भाइयों से तो अच्छे ताल्लुक आते हैं और अच्छे दोस्त हैं हमारे, राजा साजा साहब अटियाले में होते हैं, गुलशनाबाद में पहाड़ी के ऊपर छाता उनकी, अटियाला रोड पे वो बहुत मशहूर है। ये जी नीला का मगर कबूतर, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत, ये इसकी फीमेल है। ये जी नीले के मगर के साथ ये फीमेल लगी हुई है। जी रईस बेग भाई, नंबर आपको मैं जो है वीडियो इस शो के बाद, लाइव शो के बाद इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, कमेंट्स में भी डाल दूंगा, इनबॉक्स भी कर दूंगा आपको। महमूद साहब कह रहे हैं ये नीला राजा साजिद साहब वाला लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरे अपने, ये जी इनके अपने, मैं किसी नामी ग्रामी आदमी से जो उड़ने वाले कबूतर हैं वो नहीं कभी खरीदे, ये मेरे घर के कबूतर हैं, मैं हमेशा अपनी समझ से कबूतर खरीदता हूँ। ये जो टैडी खरीदे हैं ये मैंने लाहौर से खरीदे हैं, वो भी बेचने की वजह से। आपकी बात की समझ नहीं आई, कौन से कबूतर का पूछ रहे हैं आप? ये जी माता उसके साथ, इसी का पट्टा मैं दिखाता हूँ। ये जोड़े का पट्टा आगे मैंने जोड़े में डाला। अच्छा माशाल्लाह, इनका बहुत रिजल्ट है,
ये जी माशाल्लाह नीले का मगर जोड़ा जो आपको दिखाया है ये उसका पट्टा है, और ये आगे से फिर ब्रीडिंग कर रहा है, ये भी ये खुद ही ब्रीडिंग में डला हुआ है। और उस्ताद जी का बताना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनके कबूतर, बहुत से नामी ग्रामी लोग मेरे से खरीद के ले गए और उन्होंने कपों में डाले हैं इनके बच्चे माशाल्लाह। चौधरी पिछारत साहब हमारे साथ, मोहम्मद आतिफ भाई, सतम अल मुतहरी, ये भी जो छोड़ा है उसका पट्टे का ठीक हो गया, ये इसी के साथ कीमे लगी हुई है माशाल्लाह, प्योर नीले का मगर रिजल्टेड और खूबसूरत, प्योर उड़ते हैं इसी प्योर में इनके बच्चे, प्योर मैं तो उड़ाता हूँ, मैं भी उड़ाता हूँ, आगे जिसको दिए हैं उन्होंने भी प्योर उड़ाए हैं। तो इसका बच्चा कोई भी है आपके पास? अभी मेरे पास उस जाल में पड़ा हुआ है एक, एक तो अभी है इसमें दिखाया, ज्यादातर तो लोग छोड़ते ही नहीं है जी हमें, अभी कल भी मैंने बच्चे सेल किए हैं तो मुझे उन्होंने कहा है कि जी जोड़े के दो, मैंने कहा यार वो बिक गए। जी तमाम शौकीन हजरात का बेहद मशकूर कि हमारे साथ शो को लाइव एंजॉय करते हुए, ये मेरा 16 नंबर माशाल्लाह, इस सिलसिले को हम मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे और आप तक अच्छा शौक, अच्छी छतों का शौक लेके आएंगे। जो शौकीन हजरात हैं, जो अच्छे उस्ताद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनकी छतों का आप इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे उनके कबूतर। उसके लिए आपकी सपोर्ट, आपके कमेंट्स और बहुत बेहद ज़रूरी हैं, आपकी रहनुमाई। ये वो कबूतर हैं कि किसी के मोहताज नहीं है, किसी कबूतर में इनकी बहन इसका भाई जी डाल देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे उड़ेंगे, बच्चे उड़ेंगे घर भी आएंगे। ये इसकी बहन है जी, चौधरी शफीक गुजर खटाना भाई कराची से हमारे साथ, ये जी इसकी बहन है जो अभी दिखाया आपको, इसकी आंख का शोक करें। इस ब्लड का बच्चा मेरे पास मोर लगवा के गर्मियों में 5:37 पर बैठा हुआ, जबरदस्त जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट। मिर्ज़ा आमिर बेग साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनका भी शौक रहेंगे किसी दिन। जी वालेकुम अस्सलाम यासिर जवेद भाई, अच्छा मोती वाला दिखाए शेर खान भाई कह रहे हैं, कोई मोतियों वाला दिखा दें, मोतियों वाले पहले दिखाया था ना खूबसूरत, एक ही जोड़ा भाई, मेरे पास उसके बच्चे शेर खान भाई दिखा चुके हैं आप, मेरे ख्याल में चले गए थे बीच में, उन्होंने कहा दोबारा देख लें, दोबारा ये है कि जब एंड हो जाएगी वीडियो तो उसके बाद देखिएगा हमने दिखाया है। ये भी उनकी बहन है 16 नंबर पे, सही इसका बच्चा था जो बैठा था 5:37 पे गर्मियों में मोर लगा के, इस मादी का माशाल्लाह ये आस्ते आस्ते कह रहे हैं मौजूद है कि नहीं, वो फिर हम उड़ाते रहे और रात रह गया था बाद में, अच्छा 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 तूफान आया था, तूफान में ये मेरा बहुत ही पुरानी नस्ल गोल्डन जी, चूहा और बटेरा क्रॉस का भी कबूतर आपको दिखा चुके हैं आप मिस कर गए मेरे ख्याल में, तो ये है कि आप दोबारा देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कबूतर। ये कौन सा? ये गोल्डन कबूतर है, अच्छा गोल्डन, जब से मैंने रखे हैं ये नस्ल चल रही है माशाल्लाह जी, ये भी बहुत बच्चे उड़ाता है। इसके बच्चों में खेल वो होता, जाल के पास आते हैं खेलते हैं सही। फिर चले जाते हैं वापस। अक्टूबर में इसका बच्चा रात रह गया था कलियों में,
शहबाज अली भाई हमारे साथ जी, मुश्ताक अली जरदारी, ये कौन से मगर कमाकर कबूतर, अवतार गोल्ड भाई हमारे साथ लाइव शो को एंजॉय करते हुए, उस्ताद अमजद इदरीस साहब काली टैंकी स्टॉप रावलपिंडी की छत पर इस टाइम मौजूद जी, जिसकी धूम का शो करें इंशाल्लाह। तो कुछ ही टाइम बाद एक और छत से लाइव आएंगे और शो करवाएंगे आपको, चौधरी जाज और जज जो हैं रावलपिंडी, उनके शागिर्द हैं, उनके मशहूर ज़माना काले कबूतर, ये मेरे अली अली कबूतर है और डैडी कबूतर, क्रॉस में इसको दिखाएं, ये बहुत खूबसूरत है। जी आसिम मुकड़ा भाई हमारे साथ हैं, कबूतर का शो करें, इसकी आंख का शो करें, जबरदस्त जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जो जो भाई लाइक कर रहे हैं बहुत शुक्रिया, उस्ताद अमजद इदरीस के कबूतर पसंद करने के लिए। ये अभी जो देखा नर, इसकी मादी है, सही, ये मादा जी इसके साथ नर के साथ पेयर अप की हुई है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस जदोजहद को पसंद कर रहे हैं और इस लाइव शो को आप पसंद कर रहे हैं और उस्ताद अमजद इदरीस साहब की कबूतर को पसंद कर रहे हैं। लाल जोड़ा दिखाऊंगा अगर किसी दिन दिखाएंगा जी, जरा ये लाल जोड़ा इंडियन सुर्खे कबूतर, इंडियन सुर्खे कबूतर का किसी को शौक हो, जरा यूनिक है और ब्यूटी भी है माशाल्लाह। इनका रिजल्ट लिया आपने कोई? नहीं, मैं तो बच्चे बलवाता हूँ। अच्छा, है बहुत अच्छा जोड़ा, लेकिन अपनी पसंद की बात, पसंद की बात है, ठीक है। मैं कहूँ कि बहुत ऐसे तो वैसे वो मेरे अंदर आदत नहीं है, ठीक है, जोड़ा अच्छा, लेकिन हम इससे बच्चे ही बलवा रहे हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह जी। ब्यूटी सुर्खे कबूतर ये माता के साथ, ये नर, वो मादी थी, ये नर, नर बहुत दोस्त यार कहते हैं इसके, यार बच्चे तो निकलवा के देखो, यार मुझे शौक ही नहीं है, मैं क्या कर लिया इसके अंडे कहीं आगे किसी दोस्त यार को दे दे, वो खुद ही निकलवा, बस ऐसे ही करेंगे आइंदा। डब वाले नहीं है जी, डब वाले नहीं है इधर, जो जो थे अच्छे कबूतर वो आपको दिखा दिए, टेडी थे, उसके बाद इनके वो जो खूबसूरत ब्रीड है वो दिखाई आपको, एक अली वाला जोड़ा शो कराते हैं, चलें अली वाला जोड़ा आपको दिखाते हैं एक, और फिर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस सेशन का, तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर हमने एक और छत पर जाना है, वहाँ से लाइव शो करवाएँगे। ये मेरे घर का बच्चा, अक्टूबर में इसने 8 से 10 हज़ार रुपया जीता। ये बटेरा नहीं है? नहीं, ये अली वाला, अली वाला, ये इसने, ये देखे कांटे इसका बना रहा है, सही, ये आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता चला जाएगा,
जी जी इसके पर इसकी आंख देखिए, अली वाला कबूतर है ये। ये बिंदियों पर लगाया, ये अभी जोड़ा लगाया है, ये मादी। मादी किन में से? मादी कौन सी? मादी भी अली वाली। अच्छा, ये देखे ना इसके, ये कान सफेद है, मुंह मथा सफेद। ये मादी में परचेज की है अपने, अली वाले में डाली है, आप देखते हैं क्या लगा, अपनी समझ के मुताबिक लगाया। पंजे दिखाए, ठीक हो गया जी माशाल्लाह, जबरदस्त। ये जी अली वाला जोड़ा था, एक लाखे नहीं सुरखा जोड़ा एक आपको दिखाया, तो जब आपको जरा ओवरऑल दिखा देते हैं उस्ताद जी की छत का मंजर, बच्चे बाहर देखे छोड़े में। तो आज का शो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अभी एक और छत पे हम लोग ने जाना, हमारे साथ रहिएगा थोड़ी देर में, इंशाल्लाह घंटे तक जो है ना वो लाइव दोबारा होंगे, तो हमारे साथ रहें। तो वो भी शौक बहुत अच्छा माशाल्लाह, नामी ग्रामी उस्ताद हैं चौधरी एजाज जज, उनके शागिर्द हैं, तो उनका शौक है वो काले कबूतर, माशाल्लाह उनके मशहूर हैं। उसके बाद टेडी ब्रीड है, वो उसका शौक करवाएंगे आपको। तो तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त कैसर को इजाज़त दें, जब दोबारा ऑनलाइन आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप भाइयों से। बाकी जो जो भाई हमारे साथ रहे उनका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रगुजार। जी जी महमूद भाई वो थैंक यू, ये कबूतर बहुत अच्छा लगा आपको, चलें जी। बाकी अभी इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बांध।